नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ पिया गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम एक्यूपंचर और ड्रगलेस ट्रीटमेंट में। बात कर रहे हैं जब इस बेहद खास कार्यक्रम के बारे में, तो आप सभी समझ गए होंगे आज हम बात करने वाले हैं एक्यूपंचर के बारे में। एक्यूपंचर से कैसे आप सभी के जो रोग हैं, बीमारियाँ हैं, उन सभी को ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें ना तो आपको कोई दवा खाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ेगी। जानना नहीं चाहेंगे आखिरकार एक्यूपंचर में ऐसा क्या है जिससे कि बिना दवा, बिना ऑपरेशन के आपका इलाज हो सकता है। अगर जानना चाहते हैं तो चलिए आज टेलीविजन के सामने बैठे रहिएगा, क्योंकि आज बहुत सारी एक्यूपंचर के बारे में बातें हम आपके साथ करने वाले हैं इसी कार्यक्रम के जरिए। और जब हम एक्यूपंचर के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जहन में एक नाम होता है जो हम सभी जानते हैं कि जिनके माध्यम से हम आज एक्यूपंचर को बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाए हैं, जिसको हम अच्छे तरीके से पहचान पाए हैं, जान पाए हैं एक्यूपंचर किस तरीके से हमारे रोगों को, बीमारियों को दूर करने में सहायक सिद्ध हुआ है। जी हाँ, बात कर रही हूँ प्रोफेसर सर डॉक्टर पीबी लोहिया जी के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब हैं क्या। आप सभी को जानने में बेहद इंटरेस्टिंग लगेगी ये बात कि डॉक्टर साहब जो हैं चेयरमैन हैं इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूपंचर साइंसेस के, और सेकेंडरी इन्होंने काफ़ी सारे देशों में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाके इन्होंने लेक्चर्स दिए हैं, पढ़ाया है एक्यूपंचर के बारे में। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज एक्यूपंचर को अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की बदौलत है। चलिए बिना देर किए सबसे पहले करते हैं डॉक्टर साहब का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जितना मुझे आपके बारे में पता है आप एक एलोपैथिक डॉक्टर रहे हैं, एलोपैथी से आपने एक्यूपंचर में स्विच किया, आप एलोपैथी से एक्यूपंचर के डॉक्टर बन गए, ये कैसे संभव हुआ? मैं और मेरी पूरी फैमिली, हम सब एलोपैथी के डॉक्टर हैं जी। मेरा 50 बेड का ऑपरेशन डिलीवरी का बड़ा हॉस्पिटल था, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे थे, पैसा मिला, नाम मिला, लेकिन मानसिक समाधान नहीं मिला। क्योंकि एलोपैथी प्रैक्टिस में मुझे हमेशा लगता था कि हम बीमारी को जड़ से अच्छा नहीं करते, लक्षणों को दबाते हैं। इसलिए कई सारी बीमारियाँ जैसा डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, या जिंदगी भर पेशेंट को दवाइयाँ खाते बैठना पड़ता है, जड़ से इलाज नहीं कर पाते। इसलिए मैंने एलोपैथी छोड़ दिया। एक्यूपंक्चर में अगर अच्छे डॉक्टर के पास आप जाते हो, तज्ञ के पास जाते हो, तो बीमारी का की जड़ ढूंढ के निकाल सकते हैं और जड़ से इलाज कर सकते हैं, जिसके वजह से बीमारी हमेशा के लिए अच्छी होने की संभावना रहती है। बिल्कुल। और एक्यूपंचर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारे लोग ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे सर कि एक्यूपंचर कैसे हमारी बीमारियों को ट्रीट कर सकता है, कैसे उन्हें ठीक कर सकता है। क्योंकि जब हम दवाइयों के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ये होता है दवाई खाई और आपका रोग ठीक होने लगता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन क्या एक्यूपंचर भी इसी तरह से काम करता है? बिना दवा के इलाज हो सकता है इस पे विश्वास रखना बहुत मुश्किल है जी। क्योंकि लोगों के क्लिनिक का नाम रहता है दवा खाना, यानी दवा खाए बिना हम अच्छे नहीं हो सकते, ऐसे हमारी थिंकिंग है। एक्यूपंक्चर के मुताबिक शरीर खुद को ट्रीट करता है। अपने शरीर में 12 चैनल्स रहते हैं, जैसा पाइपलाइन में से पानी बहता है, ऐसा इस चैनल में से अपने बॉडी की ऊर्जा, एनर्जी प्रवाहित होती है। और उसमें कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रुकावट आ गई, कि बीमारी होती है। दूसरा, अपना शरीर पंचमहाभूतों से बना हुआ रहता है, पंचमहाभूत के साइकिल्स रहते हैं, इन साइकिल में अगर इम्बैलेंस हो गया तो अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं। तो एक्यूपंक्चर में हम ये ढूंढ के निकालते हैं कि इम्बैलेंस क्या है और 5 एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। और चैनल में जहाँ रुकावट है उसको एक्यूपंक्चर के नीडल्स है, जैसा कोई गटर में या पाइप में अगर कचरा अटक गया तो हम सड़क का मैनहोल खोलते हैं और एक लकड़ी डाल के कचरा निकालते हैं। एक्यूपंक्चर पॉइंट ये मैनहोल की तरह है कि जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, हम एक छोटी सी निडल रहती है, एकदम छोटी रहती है, वो एक्यूपंक्चर पॉइंट में से डाल के वो रुकावट को हटाते हैं और बिना दवा का इलाज होता है। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर दर्शकों आप भी ये सारी बातें सुन रहे हैं और एक्यूपंचर का इस्तेमाल आप करवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं किस प्रकार से आपके जो शरीर में रोग हैं विभिन्न प्रकार के, आप उन रोगों को ठीक कर सकते हैं, तो बिना किसी दवा के, बिना किसी ऑपरेशन के, आप जल्दी से इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि एक्यूपंचर में आपके लिए क्या ट्रीटमेंट है। दर्शकों, अगर आप सभी को ऑपरेशन की हिदायत दे दी गई है, आपको बताया गया है कि भाई ऑपरेशन के बिना आपका इलाज नहीं हो सकता है, तो ऑपरेशन के लिए जाने से पहले
पहले एक बार ये नंबर्स पे संपर्क करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आजकल घर घर ये एक ही समस्या दिखाई देती है, वो होती है भाई हमारे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है और डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर साहब तो ये होता है कि नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया जाता है, सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए बोल दिया जाता है, बता दिया जाता है भाई हमारे घुटनों में से तो ग्रीस खत्म हो गई है, ऑयल खत्म हो गया। तो ये बताइएगा एक्यूपंक्चर में क्या इसका भी ट्रीटमेंट है? बेसिकली घुटने का आर्थराइटिस या गर्दन या कमर का स्पॉन्डिलाइटिस जो हम कहते हैं ये बीमारी नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस। आदमी या औरत जब 35-40 साल के आगे जाते हैं तो अपने जॉइंट्स में सब हड्डियों में जो लुब्रिकेंट रहता है वो कम होता जाता है, ऑयल कम होता जाता है, जिसकी वजह से हड्डी को हड्डी घसती है। जैसे अपना नी जॉइंट है, घुटना है, घुटने में ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी, उसमें ऑयल कम हो गया कि बैठते उठते सीढ़ियाँ चढ़ते समय या पालथी मारते समय हड्डी को हड्डी घसती है, दर्द होता है। तो एलोपैथी में हम क्या करते हैं कि एलोपैथी में ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे हम ऑयल बढ़ा सकते हैं, इसलिए एलोपैथी में हम पेन किलर देते हैं। अब पेन किलर यानी क्या है कि आपके ब्रेन को हम डिसेंसिटाइज करते हैं ताकि दर्द पता नहीं चलता, दर्द जाता नहीं है। पेन किलर जब खाते हैं हम तो दर्द जाता नहीं है, सिर्फ आपको पता नहीं चलता। जैसे आप अगर आंखें बंद करते हो, आपके घर को आग लग गई, आँख बंद किए तो घर बुझने वाला नहीं लेकिन आपको दिखेगा नहीं जी। या आप आंखें बंद करते घर में चोर आया, कुत्ता आया, गधा आया, आपको दिखेगा नहीं जी। दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग। एक्चुअली पेन किलर से टेम्पररी अच्छा लगता है लेकिन बीमारी बढ़ते जाती है। दूसरी बात, ये जो पेन किलर है ये किडनी को और लीवर को डैमेज करता है और ग्रेजुअली फिर किडनी फेलियर की समस्या आ सकते हैं। अब एक्यूपंक्चर हम क्या करते हैं कि जॉइंट में तेल तैयार होना ये बॉडी की स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको हम स्टिमुलेट करते हैं। अपने घुटने में एक शीत रहता है, साइनोवियल शीत, जो ऑयल तैयार करते रहता है, तो उसको हम स्टिमुलेट करते हैं ताकि एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट से अपने घुटने में योग्य मात्रा में ऑयल लुब्रिकेटिंग फ्लूइड तैयार होता है और ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। अब मैंने एलोपैथी छोड़ के और एक्यूपंक्चर चालू करके 35 साल हो गए। ये 35 सालों में मैंने एक भी पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट के लिए या घुटने या गर्दन के ऑपरेशन के लिए नहीं भेजा है। बिल्कुल। तो चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक्यूपंक्चर के माध्यम से। जहाँ तक स्पॉन्डिलाइटिस का सवाल है, स्पॉन्डिलाइटिस भी पार्ट ऑफ एजिंग है। जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, या राइटिंग वर्क है, ट्रैवलिंग ज़्यादा है, या इंडियन वुमेन में औरतों के घर के काम करते समय सामने झुकना पड़ता है, गर्दन भी झुकती है, कमर भी झुकती है, तो इनको गर्दन और कमर का स्पॉन्डिलाइटिस जल्दी होता है जी। तो एलोपैथी में हम क्या करते हैं, शुरू में पेन किलर देते हैं, पेन किलर से टेम्पररी अच्छा लगता है और बाद में उसको हम ऑपरेशन करते हैं। और जब स्लिप डिस्क हो जाती है तो ऑपरेशन करते हैं और ये ऑपरेशन बहुत भयानक रहते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत रहते हैं जी। तो एक्यूपंक्चर में हम क्या करते हैं कि जो दो वर्टिब्रा के बीच में जो ऑयल रहता है उसको बढ़ाते हैं, जो डिस्क और वर्टिब्रा रहता है उसकी एनर्जी बढ़ाते हैं और नसें जो दबी हुई है जिसके कारण जैसा स्लिप डिस्क में अगर यहाँ स्लिप डिस्क है तो हाथ में चिमटियाँ आती हैं, टिंगलिंग नमनेस होता है जी। कमर में रहा तो पाँव में टिंगलिंग नमनेस होता है, पेन होता है, जिसको साइटिका कहते हैं। तो एक्यूपंक्चर से दबी हुई नसें जो है वो फ्री कर सकते हैं और ऑपरेशन की जरूरत पड़ती नहीं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ। जब हम एक्यूपंक्चर के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि एक्यूपंक्चर जो है काफ़ी पेनफुल ट्रीटमेंट है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जैसे हम देखते हैं कि निडल्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है तो आप बताइएगा। वो निडल कहते ही लोगों के मन में डर आता है लेकिन प्रैक्टिकली ये निडल नहीं है, ये इलेक्ट्रोड है। हम इंजेक्शन की जो निडल रहती है बहुत मोटी रहती है, एक्यूपंक्चर का जो इलेक्ट्रोड रहता है जिसको हम निडल कह रहे हैं वो बहुत ही छोटी रहती है, उसकी तकलीफ होती ही नहीं है जी। तो यानी कि दूसरी बात है, हम हर एक पेशेंट को डिफरेंट निडल यूज करते हैं, इसलिए निडल के वजह से एड्स से हेपेटाइटिस का डर नहीं रहता। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पे दर्शकों, अगर आपके मन में भी ये सवाल बार बार उठता है कि भाई एक्यूपंक्चर तो बहुत ज़्यादा पेनफुल ट्रीटमेंट है, तो यहाँ पे आप सभी सुन रहे हैं और यहाँ पे जो सर बातें बता रहे हैं इन सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप सभी को बताया गया है कि भाई हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जो शख्स मौजूद है वो चेयरमैन है इंडियन अकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर साइंसेज के और बहुत सारे देशों में जाकर इन्होंने लेक्चर्स दिए हैं, इन्होंने लोगों को पढ़ाया है, एक्यूपंक्चर के बारे में ज्ञान दिया है। और देखिए, आज अपना कीमती वक्त निकालकर हम सभी के साथ स्टूडियो में मौजूद है और आप सभी को बता रहे हैं एक्यूपंक्चर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपके जीवन को संवार सकता है, आपके जीवन में से वो जो रोग है, जो परेशानियां हैं जिनको ना जाने आप कितने सालों से अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, दवाइयां खाते जा रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है, तो एक्यूपंक्चर उस चीज को ठीक कर सकता है। हम बात करते हैं टाइम के बारे में, अगर तो एक्यूपंक्चर में क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन आप ठीक हो जाएंगे? देखो,
अपने आपको अगर टेम्पररी रिलीफ होना है जी, तो वो तो तुरंत दी जा सकती है। जैसे आप हेडेक है तो आप गोली खाते हो, आपको 10 मिनट में दर्द कम होता है। हेडेक है तो हम सिर्फ यहाँ दबाएंगे, पॉइंट रहता है यहाँ, सिर्फ दबाते हैं तो 15 सेकंड में हेडेक टेम्पररी कम हो जाता है। या किसको अस्थमा का अटैक आया, एलोपैथी में हमने गोली खाई तो अटैक कम होने को 15-20 मिनट लगेंगे। एक्यूपंक्चर में कुछ पॉइंट रहते हैं, उसको हम निडल लगाते हैं तो 15 सेकंड या आधे मिनट में अटैक कम हो जाता है। किसको डायरिया हो गया, आप दवा खाएंगे 2-3 दिन लगेंगे कम होने को। हम एक पॉइंट को हीट करते हैं और 5 मिनट में डायरिया कम होता है जी। कहने का मतलब क्या कि अगर आपको टेम्पररी फायदा होना है तो वो तो दवा से भी जल्दी होता है, फास्ट जी। लेकिन हमारे पास जो लोग आते हैं वो बीमारी को जड़ से अच्छा करने के लिए आते हैं और उसको फिर टाइम लगता है। बीमारी का जड़ से हम क्या करते हैं, पेट की नाड़ी परीक्षा करते हैं, पेट को कंप्यूटर पे चेक करते हैं और जड़ ढूंढ के उसका इलाज करते हैं। जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जड़ से जाने की संभावना है लेकिन उसको टाइम लगता है। बिल्कुल। और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं बीमारियों के बारे में, मुझे पता है आपके पास जितना ज्ञान है, जितनी नॉलेज है एक्यूपंक्चर के बारे में उतनी शायद किसी को नहीं होगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बात करें अगर पैरालिसिस के बारे में, तो पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कहा जाता है कि आपकी हाफ बॉडी जो है बिल्कुल यूजलेस हो जाती है, तो क्या एक्यूपंक्चर में इसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है? पैरालिसिस कई टाइप का रहता है। जो कॉमन पैरालिसिस है उसको हम कहते हैं हेमिप्लेजिया या अर्धांगवायु या लकवा। तो जो लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्होंने अगर दवा नहीं ली या किससे झगड़ा हो गया तो उनका ब्लड प्रेशर एकदम शूट अप हो जाता है और ब्रेन में एक आर्टरी रहती है मेनिंजियल आर्टरी, वो रप्चर हो जाती है और ब्रेन में हिमोरेज हो जाता है। अगर लेफ्ट हाफ में हिमोरेज हो गया तो राइट हाफ पूरी बॉडी पैरालाइज होती है, राइट में हो गया तो लेफ्ट की पैरालिसिस होती है, कॉमन है, दैट इज कॉल्ड हेमिप्लेजिया। तो एक्यूपंक्चर में अगर पेशेंट तुरंत हमारे पास आता है, मान लो एक या दो दिन में आया, तो एक या दो दिन में कम से कम 90% अच्छा हो जाता है। एक या दो दिन में, मतलब एक या दो दिन में इलाज उनका संभव हो पाता है। एक दो दिन में अगर आ गया होने के बाद तो एक दो दिन में 90% अच्छा हो जाएगा। अगर एक महीने के बाद आता है तो अच्छा होने को 1-2 महीने लगेंगे और 1-2 साल के बाद आता तो टाइम लगेगा। बिल्कुल। बेसिकली ये डिपेंड करता है हम कितनी जल्दी आपके पास आते हैं। कितनी जल्दी आता है जी। दूसरा एक पैरालिसिस कॉमन जो होता है जिसको कहते हैं बेल्स पाल्सी, जिसमें आधा मुंह ऐसा ऐसा टेढ़ा हो जाता है, उसको कहते हैं बेल्स पाल्सी। इसमें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, पेशेंट फ्रेश आ गया तो 1-2 दिन में 100% अच्छा हो जाता जी। तीसरा है अगर एक्सीडेंट में इसका फ्रैक्चर हो गया, रीढ़ की हड्डी का अगर फ्रैक्चर होता है तो नीचे की दोनों टांगे चली जाती है और यूरिन और टट्टी का कंट्रोल जाता है। इसको हम एलोपैथी में कहते हैं पैराप्लीजिया और एलोपैथी में इसको कोई इलाज नहीं, हम फिजियोथेरेपी करने को बोलते हैं। तो मेरे पास एक पेशेंट था महाराष्ट्र का जिसका एक्सीडेंट हो गया और T12 वर्टिब्रा के 6 टुकड़े हो गए, दोनों पांव चले गए, यूरिन टट्टी का कंट्रोल चले गया। अब इसको एलोपैथी में ऑपरेशन करते हैं लेकिन उसका फायदा नहीं होता। ये पेशेंट हमारे पास आया और मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि सिर्फ 8 दिन में उसकी दोनों टांगे अच्छे हो गए, यूरिन टट्टी का कंट्रोल आ गया। हमारे यहाँ हमने पूरे विश्व की कॉन्फ्रेंस ली थी, चाइना, अमेरिका, जापान के डॉक्टर आए थे, उनको एक केस दिखाया, किसका भरोसा नहीं पड़ा। एक चाइना के डॉक्टर ने उसको पूछा कि क्या तुम पीठ पे वजन उठा सकते हो, उसने कहा कि पहले मैं 70 किलो उठाता था, अभी डॉक्टर लोहिया के इलाज के बाद अभी 110 किलो का थैला पीठ पे उठाता हूँ। इसको साइंस बिलीव नहीं कर सकता लेकिन ट्रुथ है। बिल्कुल, मतलब हम कह सकते हैं कि एक्यूपंक्चर इस तरीके से अपना काम करता है कि जो हमारे अंदर का स्टैमिना होता है कहीं ना कहीं उसे भी बिल्डअप कर देता है। एक्यूपंक्चर में हर एक एक्यूपंक्चर के रिजल्ट अलग रहते हैं। एक्यूपंक्चर सिर्फ साइंस नहीं, एक कला है, इसलिए हर एक डॉक्टर के रिजल्ट अलग आएंगे। तुम जितने निष्णात और तज्ञ डॉक्टर के पास जाओगे उतने रिजल्ट अच्छे आएंगे। बिल्कुल, नए डॉक्टर के पास जाओगे तो कम आएंगे। आप जिन जिन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। एक और ऐसी समस्या है जो हर घर की प्रॉब्लम है, या तो लोगों को प्रॉब्लम होती है हार्ट से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड। वो कहते हैं कि भाई हार्ट में मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट में ब्लॉकेज आ गई, या फिर वहाँ पे सर्जरी, बाईपास सर्जरी के लिए भी बता दिया जाता है, किडनी फेल हो जाती है, स्टोन हो जाता है। ये बताइएगा एक्यूपंक्चर में क्या इसका भी ट्रीटमेंट? जो ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है उसको हम कहते हैं एलोपैथी में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी हार्ट को जो रक्तवाहिनी ब्लड सप्लाई करती है उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। और आफ्टर द एज ऑफ 40-45 उसमें ब्लॉक तैयार होते हैं 60%, 70%, 80%। और फिर क्या होता है कि आदमी थोड़ा चला कि आदमी को सांस लगती है या पेन होता है, इधर पेन होता है,
उसको कहते हैं एंजाइनल पेन। तो एलोपैथी में हम क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, और एक अगर बड़ा ब्लॉक रहा तो उसको एंजियोप्लास्टी नाम का ऑपरेशन किया जाता है, और दो तीन अगर ज़्यादा ब्लॉक रहे तो उसको बाईपास सर्जरी करता है। एक्यूपंक्चर में विदाउट ऑपरेशन ये ब्लॉक डिजोल्व किए जा सकते हैं, हमने कई पेशेंट किए हैं। अभी फिलहाल मेरे पास बम्बई में दादर में पेशेंट था जो 2.5 मिनट चला तो उसको चेस्ट में पेन होता था जी। उसका हमने एक्यूपंक्चर, उसको 3 ब्लॉक थे, मैंने खुद बोला उसको कि बाईपास कर, वो बोला मरूंगा लेकिन बाईपास नहीं करूँगा। हमने एक्यूपंक्चर चालू किया, उसको मैंने बोला रोज चल के देखना कि कितने मिनट के बाद तकलीफ होती है। 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वो आदमी बोला कि मैं 1 किलोमीटर चल सकता हूँ, मुझे छाती में तो दर्द नहीं होता लेकिन टांगों में दर्द होता है, इसलिए रुकना पड़ता है। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पे। और दूसरा किडनी का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम ज़्यादा जिनको डायबिटीज है उनकी किडनी खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है जी। और दूसरी बात, मैंने बोला था कि एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं हम अगर ज़्यादा प्रमाण में लेंगे तो किडनी और लीवर खराब होने की संभावना होती है। तो आजकल किडनी फेलियर के बहुत पेशेंट आते हैं, तो इसको हम एलोपैथी में पहले डायलिसिस करते हैं कुछ दिन और बाद में किडनी ट्रांसप्लांट करने को बोलते हैं। आज की बड़ी समस्या है कि ट्रांसप्लांट किडनी देने को कोई तैयारी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मिलती नहीं है जी। तो हमारे यहाँ ये पेशेंट आते हैं, हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, और एक्यूपंक्चर का फायदा मिनिमम 70% लोगों का डायलिसिस छूट सकता है। बिल्कुल, अगर शुरू में आया तो डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक्यूपंक्चर से ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल हो सकता है 70% लोगों में, और अगर डायलिसिस चालू तो हम धीरे 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 कम कर देते हैं। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पे दर्शकों काफ़ी सारी बातें हम सभी ने की हैं यहाँ पे, और एक्यूपंक्चर के बारे में जितनी ज़्यादा बातें हो सकती थी उतनी हमने आप सभी को बताने की कोशिश भी की है। और प्रयास हमारा यही है कि भाई अब दवा और ऑपरेशन नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ हम अपना ट्रीटमेंट कराएंगे एक्यूपंक्चर के माध्यम से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक्यूपंक्चर एक ऐसा ड्रगलेस ट्रीटमेंट है जहाँ पर अगर आप एक बार इसके आदि हो गए तो आपको ये लगेगा कि नहीं, अब चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो हमें तो एक्यूपंक्चर से ही अपना इलाज कराना है। और दर्शकों अगर आप इससे संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी बात जानना चाहते हैं, आपके जहन में अगर कोई भी सवाल उठ रहा है तो देरी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नंबर्स आप सभी के सामने हैं, जल्दी से नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को एक और खास बात बताना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब हर रोज अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आप इनसे बात कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके, या फिर आप इनको शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक भी कॉल करके बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे समय को याद रखिएगा, सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में आपकी डॉक्टर साहब से बात हो सकती है, और आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सारी बातें जान सकते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मिलने भी जा सकते हैं इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके। फिलहाल समय का इशारा हो रहा है, आप सभी से चाहेंगे इजाजत, जाने से पहले हर बार की तरह डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगे। नमस्कार। से इलाज संभव, एक्यूपंक्चर है 5000 साल पुरानी चीनी उपचार पद्धति। स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस जैसी बीमारियों का होगा बिना ऑपरेशन के इलाज। पैरालिसिस, एलर्जी, माइग्रेन, इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं का भी बिना दवा के इलाज संभव। किडनी, लिवर, ब्रेन से संबंधित बीमारियां भी होंगी दूर, तो देर किस बात की, आज ही आप हमारे निम्न उपचार केंद्रों में संपर्क करके अपना इलाज करवाएं। दिल्ली, पटेल नगर, मुंबई, औरंगाबाद, सूरत, हैदराबाद। औरंगाबाद में कॉलेज तथा रोगियों के रहने के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0880077 4540, 0880303004, 0992571571.